नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ही मीडिया एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम दो बिग न्यूज़ आपके लिए लेके आए हैं। पहली जो न्यूज़ है वो DM फिजिकल एजुकेशन टीचर OT और LT के कैंडिडेट्स के लिए है, जिनका टैट क्लियर है और अभी जॉब के लिए देख रहे हैं। और दूसरी जो हमारी न्यूज़ रहेगी वो SMC टीचरों के रिगार्डिंग रहेगी। उनके लिए भी एक बड़ी खबर और क्लैरिफिकेशन जो है वो डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस से की गई है। तो दोस्तों, पहले चलते हैं हम लोग अपने DM पैट और OT और LT की न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, 15 दिसंबर को डिप्टी डायरेक्टर श्री मोहर द्वारा एक बड़ी न्यूज़ दी गई है। उन्होंने हर गवर्नमेंट हाई स्कूल और GSS गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को एक परफॉर्मा सेंड किया है और एक लेटर पोस्ट किया है, जिसमें कि उन्होंने उनके स्कूल में आज तक की डेट में जितने भी DM और पैट OT और LT की वैकेंसीज़ है वो सबका ब्यौरा मांगा गया है कि ये कितने कितने स्कूलों में कितनी कितनी वैकेंसीज जो है अभी खाली पड़ी हुई है। और दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो कि कितना पॉजिटिव रिस्पांस गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि इस जो वैकेंसीज का ब्यौरा है जो गवर्नमेंट स्कूलों से मांगा गया है, इसको विद इन 2 डेज पॉजिटिवली सबमिट करवाने के लिए बोला गया है डिप्टी डायरेक्टर की मेल ID पे। सो दोस्तों, इसके लिए आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि गवर्नमेंट जो है ये पोस्टों को जल्दी भरने जा रही है। तो जितने भी कैंडिडेट टैट क्वालिफाई बैठे हुए हैं उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये जल्द ही गवर्नमेंट द्वारा करवाई जाएगी। सो दोस्तों, ये जो न्यूज़ थी ये CNB टीचर्स के लिए थी। जितने भी कैंडिडेट्स हमारे पेज पे जुड़े हैं वो इस PDF अगर किसी को ये चाहिए या नोटिफिकेशन चाहिए वो हमारे पेज से ले सकते हैं। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर हिम इंडिया एजुकेशन पेज पे नहीं जुड़े हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, तो प्लीज़ हिम इंडिया एजुकेशन को फेसबुक और यूट्यूब पे लाइक कर दीजिए। उसमें आपको जितने भी प्रीवियस पेपर होते हैं कमीशन और बोर्ड के द्वारा जो कंडक्ट करवाए जाते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हर पेपर को आपके साथ वहाँ शेयर कर दिया जाए और मैक्सिमम पेपर आपको अवेलेबल वहाँ मिल भी जाएंगे। और इसके बाद ही दोस्तों, जो अगली न्यूज़ रही है वो SMC टीचरों के रिगार्डिंग रही है। इस SMC टीचरों में दोस्तों, सेंक्शन ऑफ मेटर्निटी लीव के रिलेटेड ये जो है नोटिफिकेशन है, इसमें ये मांगा डिप्टी डायरेक्टर से पूछा गया था कि क्या SMC टीचरों को जो है वो मेटर्निटी लीव के लिए वो एलिजिबल है या नहीं है। सो दोस्तों, इसकी जो क्लैरिफिकेशन है वो डिप्टी डायरेक्टर मंडी द्वारा दे दी गई है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि डेट मेटर्निटी लीव बेनिफिट टू द कैटेगरी ऑफ SMC वुमेन एम्प्लॉयज़ मे बी रेगुलेटेड अंडर मेटर्निटी एक्ट ये 1961। सो दोस्तों, इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि जो मेटर्निटी लीव है इसके लिए जो SMC वुमेन एम्प्लॉयज़ है वो भी एलिजिबल है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर एम्प्लॉयज़ एलिजिबल है। सो दोस्तों, ये जो SMC की जो क्लेरिफिकेशन है ये डिप्टी डायरेक्टर मंडी द्वारा 15 दिसंबर को जारी कर दी गई है, और इसकी जो एक कॉपी है वो ऑल द प्रिंसिपल्स और हेडमास्टरों को भेज दी गई है। तो इसके लिए अब इससे साफ हो गया कि जो SMC वुमेन एम्प्लॉयज़ है उनको भी मेटर्निटी लीव जो है वो दी जाएगी। सो दोस्तों, इसके साथ अगर किसी को मेटर्निटी लीव की नोटिफिकेशन चाहिए तो इसके साथ हमने ये मेटर्निटी लीव के जो नोटिफिकेशन है वो भी अटैच की हुई है। अगर किसी को ये PDF फाइल में चाहिए या इमेजेस में चाहिए तो वो आप हमें हिम इंडिया एजुकेशन पर टेक्स्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसमें अब देख भी सकते हैं हम लोग की जो मेटर्निटी लीव होगी ये कितने टाइम पीरियड के लिए मिल रही है। सो दोस्तों, इसमें पॉइंट नंबर 3 में साफ लिखा हुआ है कि जो मैक्सिमम जो हमारी मेटर्निटी लीव है अब गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है वुमेंस एम्प्लॉय को वो 12 वीक्स की दी जाती है। वो उसमें से कि जो 6 वीक है ये मतलब पहले डिलीवरी से पहले दी जाती है, और 6 वीक जो है इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी से ये डे काउंट हो जाता है। उसके साथ ही दोस्तों, बस ये दो नोटिफिकेशन थी जो पिछले कल गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई थी। पहली नोटिफिकेशन CNB टीचर्स के लिए और दूसरी जो नोटिफिकेशन थी ये SMC वुमेंस एम्प्लॉयज़ के लिए थी। सो ऐसे ही जब भी और अपडेट्स आएंगे हम लोग आपको उससे अपडेट करवाते रहेंगे। प्लीज़ हमारे पेज के साथ जुड़े रहिए। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे ही मीडिया एजुकेशन को लाइक कर दीजिए, उसमें आपको हर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।